हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 27 फरवरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना या तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1882 ईस्वी में आज ही के दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। सन 1921 ईस्वी में आज ही के दिन वियना में इंटरनेशनल वर्किंग यूनियन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। सन 1931 ईस्वी में आज ही के दिन देश के महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। सन 1943 ईस्वी में आज ही के दिन कर्नाटक के 19वें और वर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का जन्म हुआ था। सन 1953 ईस्वी में आज ही के दिन अंग्रेजी भाषा को आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान बनाने के इरादे से ब्रिटेन की संसद में स्पेलिंग बिल का प्रस्ताव पेश किया गया था। सन 1956 ईस्वी में आज ही के दिन लोकसभा के पहले स्पीकर जीबी मावलंकर का निधन हुआ था। सन 1956 ईस्वी में आज ही के दिन मिस्र में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। सन 1974 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका पीपल की बिक्री शुरू हुई थी। सन 1976 ईस्वी में आज ही के दिन कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल केसी रेड्डी का निधन हुआ था। सन 1991 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने फारस खाड़ी युद्ध में जीत दर्ज करने की घोषणा के साथ ही युद्ध विराम का ऐलान किया था। अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर हमले के बाद यहां अमेरिका ने दखल दिया था। सन 1999 ईस्वी में आज ही के दिन नाइजीरिया में 15 साल में पहली बार असैन्य शासन चुनने के लिए मतदान हुआ था और बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे थे। सन 2002 ईस्वी में आज ही के दिन गुजरात के अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस को भीड़ ने गोधरा स्टेशन पर आग लगाए जाने से 59 हिंदू या तीर्थयात्रियों के मारे जाने के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। सन 2009 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐलान किया था कि इराक से अगस्त 2010 तक तमाम लड़ाकू सेनाओं को हटा लिया जाएगा और शेष सैनिक 2011 के अंत तक घर लौट जाएंगे। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ और प्रख्यात समाजसेवक नानाजी देशमुख का निधन हुआ था। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन चिली में 8.8 की तीव्रता का भीषण भूकंप और सुनामी से तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई थी। इसे पिछले 50 साल में इलाके का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया गया था। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन काहिरा के मुख्य रेलवे स्टेशन पर एक बफर में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें 25 लोग मारे गए थे और मिस्र में दर्जनों घायल हो गए थे। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन एक शिशु लड़का जिसका वजन जन्म के समय सिर्फ 268 ग्राम था जापान के अस्पताल से घर भेजा गया था और माना गया कि यह दुनिया का सबसे छोटा लड़का है जिसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों ने अर्ध समरूप जुड़वा बच्चों की घोषणा की जो कि दुनिया का दूसरा ज्ञात मामला है। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाकू जेट पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार कर लिया था जिससे विवादित कश्मीर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें ऑफिसियस आकाशगंगा में अब तक का सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय विस्फोट पाया गया जो कि सुपरमैसिव ब्लैक होल से 390 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।